ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दूसरे चरण का चुनावी बिगुल बज चुका है। कटिहार प्रशासन ने जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए तैयारी पर अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 28 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। 8 अप्रैल को नाम वापसी जबकि 26 अप्रैल को मतदान किए जाएंगे। 4 जून को मतगणना की जाएगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीना ने कहा कि सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन कर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन को 100% सुनिश्चित करेंगे और इसके अलावा जिला प्रशासन अलग अलग तरीकों से सभी प्रत्याशियों की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने सुरक्षा को लेकर कहा कि 21 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 29 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 3 क्विक रिस्पांस टीम के द्वारा सघन निगरानी रखी जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो माननीय भारतीय निर्वाचन आयोग के जो SOP हैं उसके तहत प्रत्येक बूथ पर जो भी सुरक्षा का जो मानक है उसके अनुसार जो है फोर्स की व्यवस्था की गई है, उसका कैलकुलेशन जो है कर लिया गया है। अभी टोटल जिले में 402 वेद टोलों का निर्धारण किया गया है। और कटिहार संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कराई जा रही है, क्या तस्वीरें वहां की, कैसी तैयारी है? देखिए, जिला प्रशासन ने चुनाव को लेकर पूरी तरह संकल्पित है कि चुनाव है वो शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हो, उसको अधिक से अधिक वोटिंग हो। याद हो कि पिछले लोकसभा चुनाव में अगर कटिहार की बात कर ले तो कटिहार में 68% वोटिंग हुई थी और इस बार भी जिला प्रशासन की कोशिश है कि वोटिंग का रेशियो जो है सबसे ज्यादा हो। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है, समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके DM पूरी चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं और दूसरे चरण के मतदान का जो दूसरे चरण के जो चुनाव है उसका ऐलान, नामांकन का ऐलान हो चुका है। कल नामांकन की पहली तिथि थी लेकिन किसी ने नामांकन नहीं किया और अभी जो 4 अप्रैल तक नामांकन की तिथि है, अब देखना वाजिब होगा कि जो कटिहार जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से संकल्पित है इस चुनाव को कराए शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न कराने के लिए और SP जितेंद्र कुमार भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता तैयारी कर चुके हैं। जी बिल्कुल रितेश, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसे लेकर क्या अपडेट है, क्या तैयारी वहाँ चल रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, कई टीम तैयार की जा चुकी है। स्टैटिक जो दंडाधिकारी है वो जगह जगह नियुक्त है और समन्वय के चारों तरफ जो बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चले, शांतिपूर्वक माहौल में चले, इसके लिए भी पुख्ता तैयारी की गई है और जो क्विक रिस्पॉन्स टीम के साथ साथ कई ऐसे दस्ते हैं जो पूरी पुलिस ने तैयार किए जो इस चुनाव को शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न कराने में काफी कारगर सिद्ध होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रितेश आपका तमाम जानकारी के लिए।